वेलकम दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पवित्रा एकेडमी पे। आज हम पढ़ेंगे हमारे पेडागोजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे दिया जीन पियाजे ने। जीन पियाजे, जिनका जन्म हुआ 1896 तथा मृत्यु हुई 1980 में, 1980 में, ये स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे। इनके अनुसार बच्चे का विकास पहले होता है और वह सीखता बाद में है। दोस्तों, हम जीन पियाजे की थ्योरी को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग हमारा रहेगा उनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में और दूसरा भाग रहेगा उनकी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो उन्होंने दिया है, उसकी जो स्टेजेज हैं उनके बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स के बारे में। जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में 5 कॉन्सेप्ट्स दिए हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने कि उनकी थ्योरी की स्टेजेस हैं। तो चलिए एक एक करके हम उन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा मेंटल स्ट्रक्चर या मानसिक संरचना, दूसरा होगा स्कीमा, तीसरा एसिमिलेशन, अनुकूलन या आत्मसातीकरण, चौथा अकोमोडेशन, समायोजन या समाविष्टीकरण, और अंत में पांचवा रहेगा इक्विलिब्रेशन या साम्य धारण। तो समझते हैं इनको एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे मेंटल स्ट्रक्चर या मानसिक संरचना की। आफ्टर बर्थ वट एवर द इंडिविजुअल सी अंडरस्टैंड और लर्न्स दीज मैटर्स द डेवलपमेंट ऑफ द मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ एन इंडिविजुअल। जन्म के बाद व्यक्ति जो कुछ देखता है, सुनता है, यही तथ्य उसकी मानसिक संरचना का विकास करते हैं। एवरी इंडिविजुअल हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर फ्रॉम अदर। प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक संरचना दूसरे से अलग होती है, जो समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनशील है, विच इज चेंजेबल अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन। इट मे बी कंसिडर्ड एज प्रीवियस नॉलेज, इसे पूर्व ज्ञान भी कहा जा सकता है। मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिविजुअल डेवलप्स स्लोली एंड ग्रेजुअली। व्यक्ति की मानसिक संरचना धीरे धीरे विकसित होती है। उदाहरण में हम कह सकते हैं माँ का आदर मानसिक संरचना के अनुसार ही होता है। दोस्तों, हम अपने बचपन से लेके अपनी सारी जिंदगी में जो भी कुछ देखते हैं वो धीरे धीरे हमारे दिमाग पे अपनी इमेज, अपनी एक छाप छोड़ती चली जाती है और इसी छाप को हम मेंटल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो चलते हैं हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट पे जो है स्कीमा। द बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द मेंटल स्ट्रक्चर इज स्कीमा। अब उस मेंटल स्ट्रक्चर के अनुसार, उस मानसिक संरचना के अनुसार जो भी हम कार्य करते हैं उसे स्कीमा कहते हैं। स्कीमा इज ऑल्सो चेंजेबल अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन। समय और परिस्थिति के अनुसार स्कीमा भी परिवर्तनशील है। समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज मेंटल स्ट्रक्चर, कभी कभी इसे मानसिक संरचना भी कह दिया जाता है। दोस्तों, मेंटल स्ट्रक्चर और स्कीमा दोनों आपस में इतने मिलते जुलते हैं कि कभी कभी इन्हें सिनोनिम के रूप में भी यूज कर लिया जाता है। स्कीमा का अर्थ है हमारे दिमाग में किसी भी चीज़ को लेकर जो इमेज बनती है, जो कि समय के साथ साथ चेंज भी हो जाती है। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ए बेबी स्कीमा अबाउट कैट्स, बिल्लियों के बारे में बच्चे का स्कीमा क्या होगा कि बिल्ली के ऊपर फर होता है, इसकी 4 टांगे होती है, 2 कान होते हैं, 2 आईज होती है और एक लंबी टेल होती है। ऐसा ही एक स्कीमा, ऐसी ही एक इमेज, ऐसा ही एक मेंटल स्ट्रक्चर बच्चे के दिमाग में होता है डॉगी के बारे में, कुत्ते के बारे में। उसके भी 2 कान होते हैं, 4 टांगे होती हैं, 2 आंखें होती हैं, 1 टेल होती है, लेकिन बच्चा बिल्ली और कुत्ते में अंतर करना समझता है। तो इसी प्रकार से हर वस्तु के बारे में और हर सिचुएशन के बारे में बच्चे के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट बनते चले जाते हैं जिन्हें हम स्कीमा कहते हैं। तो चलिए चलते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट पे, जो है हमारा एसिमिलेशन, अनुकूलन या आत्मसातीकरण। अब बच्चे के दिमाग में एक इमेज बन चुकी है स्कीमा, जहां तक हमने अभी पढ़ा। अब नेक्स्ट स्टेज क्या आती है, बच्चा हर चीज को उसी इमेज के अनुसार ही देखता है।
लेकिन जब भी उसके सामने कुछ नई चीज आती है तो वो उस नए ज्ञान को अपने पुराने ज्ञान में जोड़ता चला जाता है। When person adopts new knowledge according to the mental structure is called assimilation. जब व्यक्ति अपनी मानसिक संरचना के अनुसार नए ज्ञान को ग्रहण करता है वह अनुकूलन कहलाता है। अब हमारे दिमाग में किसी भी चीज को लेके, सपोज डोगी को लेके, एक बच्चे के दिमाग में एक स्कीमा बन चुका है कि डोगी के फीचर्स ये होती हैं, दो टांगे हैं, दो आंखें हैं, दो कान हैं, एक पूंछ है। तो जब भी वो किसी अलग डोगी को देखेगा या नए डोगी को देखेगा तब वो उसे तुरंत डोगी ही कहेगा। यही जो उसकी नॉलेज है उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं, अर्थात नए ज्ञान को बदलते समय अपनी मानसिक संरचना में बैठाता है, फिट करता है, वो नई नई इंफॉर्मेशंस अपने दिमाग में फिट करता रहता है। उसी को हम अनुकूलन या आत्मसातीकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। इट मीन्स फिटिंग द न्यू नॉलेज बाई चेंजिंग द मेंटल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जो समझने की बात है, जो नोट करने की बात है, वो ये है कि अनुकूलन या आत्मसातीकरण में व्यक्ति अपने नए ज्ञान को बदलता है। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं एसिमिलेशन में बच्चे को किसी एक डोगी के बारे में पता है, लेकिन अगर उसके सामने कोई दूसरा नया डोगी भी आ जाता है तो वो उसे उनकी फीचर्स के हिसाब से, जो उसके दिमाग में एक स्कीमा बना हुआ है उसके आधार पर वो उसे पहचान लेता है और अपने ज्ञान में कुछ और नया ग्रहण कर लेता है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट है वो है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन समायोजन या समाविष्टीकरण। When the individual modified the mental structure during adapting new knowledge, the individual adds something or deletes something in mental structure. जब व्यक्ति नए ज्ञान को ग्रहण करते समय, मतलब assimilate करते समय, अपनी मानसिक संरचना में परिवर्तन करता है, उसमें कुछ जोड़ता है अथवा घटाता है, तो वह समायोजन कहलाता है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, समायोजन में व्यक्ति अपने पुराने ज्ञान को बदलता है, एसिमिलेशन में नए ज्ञान को बदलेगा और समायोजन में पुराने ज्ञान को बदलता है। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम देखें कि अब बच्चे को हमारे पिछले कॉन्सेप्ट तक डोगी के बारे में क्लियरली पता था कि डोगी की फीचर्स क्या क्या है, लेकिन ऐसा होता है कि जब बच्चे के सामने कोई गाय या कोई बकरी आती है तो वो अनायास ही उसे उसकी फीचर्स को देख के एकाएक डोगी कह देता है। उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट तो होता है कि ये कहीं ना कहीं डोगी से अलग है, लेकिन फिर भी वो अपने स्कीमा की वजह से उसको डोगी ही पुकारता है। लेकिन जैसे ही उसके पेरेंट्स या उसके कोई बड़ा उसे बताता है कि नहीं बेटा ये डोगी नहीं है, ये गाय है या ये गोट है, बकरी है, तो वो तुरंत अपने स्कीमा में उस चीज को ऐड कर लेता है या कई बार किसी चीज को घटा देता है। तो इस अवस्था को हम समायोजन या एकोमोडेशन कहते हैं। जैसा कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं, यदि किसी बच्चे के घर में बचपन से भैंस है और वो कभी पहली बार गाय को देखता है तो वो उसे भैंस ही कहेगा, और सेम अगर किसी के घर में गाय है और जब वो फर्स्ट टाइम भैंस को देखेगा तो वो भैंस को भी गाय ही कहता है। लेकिन जब उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि नहीं बेटा ये गाय है या भैंस है, तो वो अपनी नॉलेज में कुछ अकोमोडेट कर लेता है, कुछ समायोजन करता है अपने ज्ञान को। तो इस संप्रत्यय को या इस कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे अकोमोडेशन। उसके बाद चलते हैं फिफ्थ और लास्ट कॉन्सेप्ट पे, जो है हमारा इक्विलिब्रेशन या साम्य धारण। एट द प्रेजेंस ऑफ न्यू सिचुएशन द इंडिविजुअल्स मेंटल स्टेटस बिकम इम्बैलेंस। फॉर अवॉइडिंग द इम्बैलेंस द इंडिविजुअल आइदर एसिमिलेट द मैटर और अकोमोडेट। जब व्यक्ति के सामने नई परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति असंतुलित हो जाती है। उस असंतुलन को दूर करने के लिए व्यक्ति या तो अनुकूलन करता है या समायोजन करता है। After doing this, the mental structure of individual becomes balanced. और इसके बाद
उसकी मानसिक स्थिति संतुलित हो जाती है। दिस बैलेंसिंग पोजिशन इज नोन एज इक्विलिब्रेशन। संतुलन की यही अवस्था साम्य धारण या इक्विलिब्रेशन कहलाती है। अब जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, 2-year-old Gabriella has learned the schema for cow from her picture books. 2 साल की गैब्रियला ने अपनी पिक्चर बुक से अपने दिमाग में काउ का एक स्कीमा बनाया, लेकिन जब उसके पेरेंट्स उसे जू में लेके गए तो उसने वहां पे एक मूज को देखा। गैब्रियला सीज ए मूज एंड कॉल्स इट ए काउ, और उसने उसे भी काउ ही कहा उसकी फीचर्स की वजह से और अपने स्कीमा की वजह से। शी इज ट्राइंग टू एसिमुलेट द न्यू एनिमल इन टू द एग्जिस्टिंग स्कीमा। वो नए एनिमल को अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर मदर टेल्स हर नो इट्स ए मूज। लेकिन जब उसकी माँ ने उसे बताया नहीं बेटा ये मूज है, तब उसकी जो एक डिलेमा था, उसका जो इम्बैलेंस था, वो बैलेंस में आ जाता है और वो मूज को गाय से अलग करके उसको कहना शुरू कर देता है, और इवन डिटेल में भी कह सकता है कि ये ममा मूज है, ये बेबी मूज है, ये पापा मूज है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अब बच्चे के ज्ञान का, अब बच्चे के स्कीमा का साम्य धारण हो चुका है, अब उसका ज्ञान इक्विलिब्रेशन में आ चुका है। तो जीन पियाजे ने ये 5 मेन कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, संप्रत्यय दिए हैं, जिनका हमें पता होना ही चाहिए। आइए अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं एक उदाहरण से। सबसे पहले अगर हम बात करें मेंटल स्ट्रक्चर की, तो जैसा कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, जब बच्चा सबसे पहली बार नींबू को देखता है तो उसके मन में उसको लेकर एक मानसिक संरचना बन जाती है। इसमें वो उसके कलर या रंग, टेस्ट या स्वाद, ऑर्डर या गंध, साइज या आकार, और उसके जूस, मतलब कि यह चीज जूसी है, इससे वो उसे याद रखता है। उसके दिमाग में एक मेंटल स्ट्रक्चर ऑलरेडी बन चुका है। अब इसके बाद आती है स्कीमा की। स्कीमा का मतलब है इन मेंटल स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड हमारे दिमाग में जो भी प्रक्रिया होती है उसे हम स्कीमा कहते हैं। जैसे मैं कहूंगा कि नींबू का रंग पीला होता है, टेस्ट इसका खट्टा होता है, गंध इसकी तीखी होती है, साइज इसका छोटा व गोल होता है, और ये रसीला होता है। तो ये सब बातें जो हमारे दिमाग में है नींबू को लेके, ये सब नींबू के बारे में हमारा स्कीमा है। उसके बाद हम तीसरी बात करते हैं एसिमिलेशन की। अब एसिमिलेशन में हमारा क्या होता है, नए ज्ञान में कुछ और जोड़ना। तो अब जैसे कि हमने पहली बार बच्चे ने नींबू देखा, अब वो अलग अलग टाइप्स के नींबू देखेगा, उनके अलग अलग कलर्स हो गए, अलग अलग साइजेस हो गए, जिससे वो अपने नए ज्ञान में कुछ ना कुछ जोड़ता चला जाएगा, जिसे हम एसिमिलेशन कहेंगे। चलिए अब बात करते हैं अकोमोडेशन या समायोजन, समाविष्टीकरण की। जैसा कि अब हमें पता है कि बच्चे के दिमाग में नींबू का स्कीमा बना हुआ है कि नींबू कैसा होता है, क्या होता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम किन्नू देखता है तो उसको वो लगता है कि ये नींबू जैसा तो है लेकिन नींबू नहीं है, लेकिन फिर भी वो अनायास ही उसको नींबू या बड़ा नींबू या कुछ अलग सा नींबू बोल देता है। तो उस समय जो उसके साथ उसके पेरेंट्स हैं, अगर उसे कहें कि नहीं बेटा ये नींबू नहीं है, ये किन्नू है और ये खाने में नींबू के जितना खट्टा नहीं होता है, तो वो अपने स्कीमा में कुछ और समायोजित कर लेता है, कुछ और इन्फॉर्मेशन, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ लेता है कि हाँ नींबू की नस्ल में कुछ और चीजें भी हो सकती हैं जो नींबू के जैसी ही दिखती है लेकिन उनके स्वाद में, उनके रंग में, उनके आकार में अंतर हो जाता है। और यही स्कीमा में कुछ जोड़ना या घटाना, मतलब अपने स्कीमा को मॉडिफाई करना ही अकोमोडेशन कहलाता है। और अंत में अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रेशन या साम्य धारण की। तो धीरे धीरे जब बच्चा किन्नू के बाद सपोज मौसमी देखता है या संतरा देखता है तो उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स आते चले जाते हैं। पहले उसको दुविधा होती है
एक ही जैसी चीजें हैं, किसी का नाम मौसमी रख दिया है, किसी का संतरा रख दिया है, किसी का किल्लू रख दिया है, किसी का नींबू रख दिया है, एक और होता है माल्टा, वो भी इन्हीं की प्रजाति से है, किसी का माल्टा रख दिया है। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब बच्चे को सबके बारे में अलग अलग पता होता है और वो दुविधा उसके मन से हट जाती है, और इसी स्टेज को हम इक्विलिब्रेशन या साम्य धारण कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो जीन पियाजे की ही रहेगी, वो हम पढ़ेंगे इसके स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें एग्जामिनेशन में 100% क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और अगर आपको इस प्रयास से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप लाइक का बटन दबा के हमारा प्रोत्साहन कर सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।